वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मैं आप लोगों को आज की वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यार अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना एंड आप लोगों को सारी स्पोर्ट्स की अपडेट यहाँ पे मिल जाएंगी। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है नियो को लेकर। तो जो लॉल्स है उन्होंने बताया था कि नई स्पोर्ट्स के लिए अभी के लिए ब्रेक ले लिया है एंड वो अभी के लिए कॉन्टेंट क्रिएशन पर फोकस करने वाले हैं। तो उन्होंने इस पर एक्जैक्टली क्या बोला वो आप लोग देख लो। Why Neo not playing bro? Neo vlog कर रहे हैं ना bro, वो अभी के लिए CC बन गया, अभी के लिए वो streams and all उसका plan है। उसने I guess Compy छोड़ दिया है लगभग, जब तक मैंने सुना है। अभी break लिया, छोड़ा तो नहीं है मतलब break लिया है उसने, अभी वो vlogs and वो सही चीज़ों में focus है उसका, सब दिख रहा। एंड काफी लोगों का हमारे को एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि जो घातक भाई है उनका हमारे को फ्यूचर प्लान्स क्या देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके ऊपर जो घातक भाई है उन्होंने कुछ रिप्लाई करा एंड साथ में जो मेजी है उन्होंने भी क्या बोला वो आप लोग देख। शुक्रिया घातक के बारे में कुछ लीक दे दो मेजी भाई। घातक भाई कुछ बड़ा लेकर आने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा, मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा। पकपक भाई थैंक यू सो मच। So, कैसा लगा टूर्नामेंट? बहुत बढ़िया लगा। And I'm pretty sure definitely amazing future lies ahead of you. Yes. So hoping for amazing things, hoping for very big announcements as well. Not very soon, but jaldi. Slowly and steadily, but it things. Time लगता है, time लगता है. Very big things are going to happen. Yes. मुझे हल्की फुल्की भनक तो लगी है, so very excited for that. And धमाके होंगे धमाके. उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख लो। समझ नहीं आ रहा कि लोग हर हफ्ते लैंड बना रहे और ना सीरियस नोट यार मुझे बता रहे कि हर बंदा हर हफ्ते जा पाए वो हाइप रहेगा पहले ऐसा लैंड का, अगर हर हफ्ते लैंड हर महीने एक लैंड हुआ तो ऑनेस्टली बता रहा। तो इतना जो लोग जो पहले हुआ करता था महीने में एक बार टूर्नामेंट, दो तीन महीने में एक बार लैन, तो भाई तब जाके इतने सारे लोग आते थे एक साथ। बट आजकल क्या होता है, आजकल नहीं होता है, बस वही एक रीज़न है यार। ये मैंने बहुत पहले बोली भी थी और अभी भी बोलता हूँ, बट वो टीओस के हाथ में कि टीओस को कैसे संभाले, अगर टीओस को नहीं संभाले तो टीओस सफर करेंगे। इतने लैंस हो रहे हैं बेंचो, अब तो ऐसा लैन वाली वाइब ही नहीं आ रही है। इतना लैन देख लिया ना मैं पिछले दो महीने में, BGIS LAN, Sky Sports LAN, अभी Upthrust LAN अभी आ रहा है, Red Bull का LAN आ रहा है, उसके बाद और एक LAN आएगा। भाई LAN देख देख के मैं पक गया, वो हाइप खत्म हो रही है पता LAN की। पहला ऐसा होता तो भाई LAN है LAN है, अभी बस मेरे को एक LAN देखना है वो है। के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जो Red Bull का इवेंट है वो मैं बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है, उसके अंदर हमारे को 18th को वो स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा, एक दिन का लैन रहने वाला है। तो उनकी जो इनवाइटेड टीम्स है वो भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद बात करें सिट भाई के बारे में, तो उनकी तरफ से हमारे को कुछ ट्रैश टॉक देखने को मिली यूई के लैन पे, तो उन्होंने इस पे क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। सो गाइस फाइनली वी आर हियर विद एसएटीएल सिट। सिट भाई कांग्रेचुलेशन, आप यहां पे आए एंड वेलकम। अभी तक बैंगलोर में बैक टू बैक दूसरा इवेंट आप देख रहे हो, सो फार हाउ इज योर बीन एक्सपीरियंस, आपका अब तक एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड फ्यूचर ऑफ लैन इन द ई स्पोर्ट्स आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? बैंगलोर बैंगलोर हैज ऑलवेज बीन यू नो अ गुड ऑडियंस फॉर ई स्पोर्ट्स, आई गो वे बैक विद बैंगलोर। काफी अच्छा ऑडियंस है, काफी मिक्स ऑडियंस है, दे आर चेयरिंग फॉर एवरीवन, एवरीवन हैज इन सोल एंड गॉडल, आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स, बट इट्स फन, इट्स अ गुड एनवायरनमेंट। एंड फ्यूचर ऑफ लैन इवेंट्स, आप जैसे पूछ रहे थे 50,000 लोग देखने आएंगे कि नहीं, उतनी कैपेसिटी होगी तो सोल को देखने तो आ ही जाएंगे, बाकियों का पता नहीं। फॉर श्योर जनता काफी ज्यादा सपोर्ट भी दिखा रही है, प्यार भी दिखा रही है। बट वन मोर क्वेश्चन, आज के दिन की परफॉर्मेंस को सो फार सोल की परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करेंगे अभी आप? आई थिंक वी हैव अ स्लो स्टार्ट एज यूजुअल, बट वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू, आवर प्ले स्टाइल हैजंट बीन वर्किंग, तो वी ट्राइंग टू फिक्स दोज इश्यूज। आई थिंक बाय द एंड ऑफ डे ऑफ डे वन वी शुड बी इन टॉप 5 एंड टुमारो विल ट्राई टू टेक इट होम। अपार्ट फ्रॉम टीम सोल, बाकी सारी टीम्स को एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव? अपार्ट फ्रॉम टीम सोल, बाकी सारी टीम्स को एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव? बाकी सारी 15 टीम जो बची हुई है। नहीं, मैं किसी टीम को कुछ बोलना नहीं चाहता, आई डोंट केयर अबाउट एनी अदर टीम हियर, आई एम हियर टू लुक आफ्टर माय टीम, सो आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर देम एंड आई होपफुली वी विन। One final message to the public that is watching us online, router के माध्यम से जो जुड़ी है हमारे साथ, उनको कुछ कहना चाहेंगे last
वन लास्ट मैसेज टू द पब्लिक जो रूटर के माध्यम से हमारे साथ है? यार रॉकेट्स रुकाओ मत यार, चैट में अच्छा खेल रही है टीम, अभी फाइट्स ले रही है, थोड़ा पैसिव खेल रही थी ऐसा बोल रहे थे, बट आज अच्छे कुछ फाइट्स निकाले तो रॉकेट्स चलाओ थोड़े चैट में, अच्छा लगेगा। इसके बाद अब थ्रस्ट के लाइन के ऊपर हमारे को कुछ फनी मोमेंट्स देखने को मिली, जहाँ पे जो सोल ओमेगा है उन्होंने थ्रो करी थी अपनी जर्सी, एंड इसके बाद हमारे को फैंस के बीच में फाइट देखने को मिली, तो वो वाली क्लिप भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है रेबल से रिलेटेड भी काफी सारा इशू एंड मैटर हमारे को देखने को मिला था अभी पास्ट में, एंड इसके बाद जो मां भाई उनसे काफी लोग पूछ रहे थे कि रेबल का हमारे को क्या फ्यूचर देखने को मिलने वाला, तो इस पे उन्होंने बात करी एंड क्या बोला वो आप लोग देख लो। रेबल का क्या होगा, अब सब हो जाएगा, काम करेगा, देखो काम करेगा दिल लगा के तो हर किसी को अच्छा लगता है, ऑडियंस को भी अच्छा लगता है, ओनर्स को भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। वे एंड की टू एवरीथिंग इन लाइफ इज वर्क एंड सेल्फ वर्क, सेल्फ वर्क बहुत जरूरी है। एंटार्क्टिका इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है जैसे हमारे को किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस थोड़ी लो देखने को मिलती है तो काफी लोग उनको बोलते हैं कि उनको चेंज कर दो, तो ऐसे ही जो मुगेम्बो है उनसे भी काफी लोग बोल रहे थे कि जो सारंग है उनको चेंज करो, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। परसों में खेलना अच्छा वही ना भाई, अबे भाई अभी दक्ष भाई इनको क्या समझाओ, समझा भाई तू दिमाग, मतलब एक टूर्नामेंट बेकार जाता है कहते हैं इसको हटाओ, फिर एक जाता है तो उसको, अभी अभी सारंग बेकार खेल रहा है, कह रहे सारंग को अभी तुम लिखोगे सारंग को, सारंग सारंग जैसे प्लेयर को तुम कहोगे बिठाओ सारंग को। मैक्सवेल की क्या इनिंग्स थी भाई अब तक के क्रिकेट के हिस्ट्री में। ये काफी लोगों का क्वेश्चन है कि हमारे को जो गॉड लाइक लाइनअप है उसके अंदर अब चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी लॉल्स ने बात करी है। लाइनअप चेंज होगी क्या यार, अभी नहीं पता मेरे को, अगर पता भी रहता तो मैं बता भी नहीं सकता ना, अगर हो भी रही है तो मैं बता नहीं सकता, वो ऑफिशियली जब आएगा वो आपको पता चलेगा। पर क्या दिन अभी वेट करो, क्या पता कुछ हो जाए, कुछ चमत्कारी हो जाए। इसके बाद बात करें हम जेली के बारे में, तो जेली है उनसे रिलेटेड हमारे को काफी अपडेट्स देखने को मिल रही है कि जो जेली है वो लीव करने वाले हैं ओआर को, एंड वो एक बहुत ही बड़ी ओर को ज्वाइन करने वाले हैं, एंड देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या अपडेट रहती है, जैसे मेरे को परमिशन मिल जाएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड इसके बाद काफी लोग बोल रहे थे कि जो मोगेम्बो है वो ट्रोल कर रहे हैं गॉड लाइक को, तो इसके ऊपर जो स्काउट है उन्होंने रिप्लाई करा, इसके साथ में उन्होंने कुछ पेजेस के बारे में भी बात करी, तो उन्होंने इस पर क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। कि लोग स्टोरी वोरीज में जो मैं मतलब मेरे से हाइड कर रहे स्टोरीज डाले जा रहे थे, एक दिन पहले मैं वो कल की बात था, मैं मोगेम्बो का खेल रहा था, तो मोगेम्बो को तो पता आते थे दो वर्ड बोलते थे, उसको 100 वर्ड बोलता भाई, इसको ज़्यादा बार बार मत बोला, क्रिंज हो जाता है, एक सिस्टम बोलते रहता है और क्या गॉड वर्ड बोलते रहता है। अब उसको कुछ हेट पेज ना, फैन पेज भी नहीं है किसी के भी, हेट पेज ने क्या किया ऐसा पोर्ट्रे किया कि मोगेम्बो ट्रोल कर रहा है गॉडल को, गॉड रोबोट करके, मतलब भाई थोड़े दिमाग से पैदल मेरे भाई, जाके देखो उसके व्लॉग्स, वो गॉड रोबोट स्टार्टिंग से बोल रहा है, वो सिस्टम स्टार्टिंग से बोल रहा है, मतलब सिस्टम करेगा मतलब वो एल्विश भाई को करेगा, ये गॉड रोबोट करेगा मतलब वो गॉडल को कर रहा है ट्रोल, मतलब कुछ भी एक वो टर्म। फिर एक दूसरा चीज ये हुआ कि क्या हुआ दूसरा जी, हाँ दूसरा जी गाली वाला कि भाई अब तो अब वो मैं भाई वो एक पॉइंट के लिए मैंने गाली दी थी, मैंने बोला भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया गाली, शायद स्ट्रीम प्राइवेट कर रहे थे, हम वापस करते हैं, माहौल बनाए खेलते। अब मैं गाली ना तो मैं तुम्हारे क्रिएटर को दे रहा हूँ, ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ना तुम्हारे किसी दोस्त को दे रहा हूँ, ना तुम्हारे तुम जिसको देखते हो उसको दे रहा हूँ, भाई मैं हमारे दोस्ती के बीच में मैं भी गाली खाता हूँ, मैं भी गाली देता हूँ, हमारे बीच में थी वो हम लोग ने सॉर्ट कर लिया चीज़ें, हमने बंद कर दी स्ट्रीम, प्राइवेट भी कर दी कि वो चीज़ खराब ना दिखे लोगों के लिए, हमने स्टार्ट कर दिया नया स्ट्रीम। बट कुछ हेट पेज, अब मैं समझ गया, अब समझो अब फैन पेज क्या होता है भाई, कि तुम मेरे फैन हो, किसने मेरे बारे में गंदा बोला, तब तुम ट्रिगर को उसको बोलोगे, उसका नाम है गॉडल एक्स हॉक, तो मतलब वो गॉडल फैन हो राइट, अब वो गॉडल का फैन पेज मतलब गॉडल को डिफेंड करें 100%, उसको करना चाहिए। बट क्या हुआ वहां पे मेरे मोगेम्बो की बात हुई, मैंने मोगेम्बो गाल दिया, बट यहाँ पे तो गॉडल का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो वो फैन पेज से क्या बन गया, वो हेट पेज राइट। बड़ा चिड़िया तुम जो उड़ा रहे हो ना हॉक बन के, तुम बहुत ही जल्द हाथ में आने वाले मेरे भाई, इसको तुम थ्रेट समझो, इसको तुम धमकी समझो, इसको तुम जो समझो, तो भाई मैं यही बोलूंगा
फैन पेज हो, फैन पेज जैसे रहो, हेट पेज में कन्वर्ट मत हो। जब बचा रहा तुम्हें वहीं से डिसाउंट किया जाएगा, वो भी पे लेंगे, हम भी पे लेंगे, तुम्हें गॉडल वाले खुद पे लेंगे और हम भी पे ले लेंगे। तो ये जो हेट पेज का एजेंडा तुम घुमाते हो तो भैया संभल के। तो क्या सीन है ना कि हमारा बहुत अच्छे टर्म्स पे हम लोग, एक कॉल लगता है सिर्फ कॉल घुमाने के लिए ऊपर कि भाई तेरे यहाँ के लौंडे है क्या ये। अब वो बोलेगा नहीं भाई, इस फैन पेज को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। बोलेगा तो भाई ये मेरा गॉडल का फैन पेज है नहीं, गॉडल वाले खुद बोल देंगे वो चीज। फिर कहाँ जाओगे, फिर गॉडल हॉक से कौन सा हॉक बनोगे, सस्ती हॉक बताइए कौन सा हॉक बनोगे वे? जो भी हॉक बनोगे बेटा मजाक सर के पंख काट के बिठा दूंगा सामने और स्ट्रीम पे लाके बिठाऊंगा। अभी वो तो लकीली वो एक बंदा था कि भाई इन जनरल में सबके बोलो टीएक्स में कुछ लोग होंगे जो लोग मतलब मेरे नाम पे दूसरे लोग को हेट दे रहे होंगे, डिफेंस नहीं कर रहे हेट देते। तो भाई फैन पेजेस बनो ना कि हेट पेजेस, फैन पेज बन के डिफेंड करो जब तुम्हारे किसी क्रिएटर को बोल रहा है, ना कि हेट पेज बन के एजेंडा ढूंढो गंदगी फैलाने का। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये मैंने टॉपिक प्यार से मोहब्बत समझा दिया। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।